तो गाइस एक नई कार परचेज करना एक सभी का सपना होता है और सभी चाहते हैं कि वो पैसे कमा के अपनी एक पहली कार परचेज करें। और गाइस जो कार होती है वो सोसाइटी में स्टेटस सिंबल भी होती है। तो गाइस आज की वीडियो में कुछ ऐसी कार्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है और हमें इंडियन रोड्स पर देखने को मिलेगी। तो गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो गाइस बिना आपका समय गवाए वीडियो करते हैं जल्दी से शुरू। तो गाइस यहाँ पर हमारा लिस्ट में जो पहली कार है वो है मारुति सुजुकी सिलेरियो। और गाइस जो एक कार है बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि जो एक कार है वो तीन इंजन ऑप्शन में हमें देखने को मिलेगी। जो पहला गाइस वो है 1 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करेगा 67 BHP की मैक्सिमम पावर। और गाइस जो सेकंड इंजन है वो है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि सेम इंजन अभी मारुति सुजुकी वैगनर में आ रहा है। और गाइस थर्ड आपको एक CNG वेरिएंट कार का देखने को मिलेगा। और गाइस जो एक कार है वो मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में आपको देखने को मिलेगी। और गाइस इंटीरियर कार का कुछ इस तरह का है और एक्सटीरियर कुछ इस तरह का है इस कार का। और गाइस बहुत समय से जो एक कार है मैं इंडियन रोड्स के ऊपर टेस्टिंग के दौरान भी दिखी है। बात करें गाइस इस कार का प्राइसिंग की तो गाइस जो एक कार है वो 4.5 लाख के आसपास आपको स्टार्टिंग मॉडल इस कार का देखने को मिलेगा। और सितंबर के महीने में गाइस जो एक कार है वो इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। तो गाइस बढ़ते हैं हमारी लिस्ट में सेकंड कार की जो कि है होंडा ब्रियो 2020। तो गाइस ये भी कार में बहुत ज़्यादा इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी। तो गाइस बात करें इस कार के बारे में तो गाइस ये कार आपको मिलेगी 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ जो कि प्रोड्यूस करेगा 89 HP की मैक्सिमम पावर। होगा जो एक कार आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स में देखने को मिलेगी। तो गाइस जो एक कार अभी बहुत सारे कंट्रियों में लॉन्च हो चुकी है और इंडिया में लॉन्चिंग इसकी होना बाकी है। लुक्स गाइस इसकी कुछ ना कुछ सिटी होंडा के फ्रंट से मैच खाती है और फ्रंट प्रोफाइल कार की कुछ इस तरह की है गाइस, रेयर प्रोफाइल कुछ इस तरह की है और इंटीरियर आपको कार की इस तरह के देखने को मिलेंगे। बात करें गाइस कार की प्राइसिंग की तो गाइस ये कार आपको मिलेगी 5 लाख के आसपास और दिसंबर के महीने में ये कार इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। यहाँ पर गाइस हमारी जो थर्ड कार है वो है टाटा HBX जिसका बहुत लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो गाइस ये कार जो है वो अगस्त में फाइनल लॉन्च होने वाली है और जो इस कार का स्टार्टिंग प्राइस है वो 5 लाख रुपए है। अब देखना यह है गाइस कि ये कार कैसी होगी, कैसी माइलेज होगी और कैसे लुक्स टाटा ने इस कार के बनाए हैं। गाइस यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाले है जो ये कार है वो सेम अल्फा प्लेटफॉर्म पर बिल्ट हुई है जिस पर अल्ट्रोस को बनाया गया। तो गाइस ये तो क्लियर है कि जो एक कार है वो सेफ्टी में काफी ज्यादा स्टार स्कोर करने वाली है और टाटा के लिस्ट में गाइस ये एक और हाईएस्ट सेफ्टी रेटिंग कार भी ऐड ऑन होगी। और हम सब उम्मीद करते हैं कि यार जो कार है वो इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में अच्छा परफॉर्म करेगी आने वाले सालों में। तो गाइस यहाँ पर हमारे लिस्ट में जो फोर्थ कार है वो है मारुति सुजुकी XL5 जो कि आती है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ जो कि प्रोड्यूस करेगा 81 BHP की मैक्सिमम पावर। और गाइस बात करें इस कार की माइलेज की तो आपको इजीली इस कार से 20+ KMPL के आराम से माइलेज मिल जाएगी और ये नेक्सा डीलरशिप में आपको देखने को मिलेगी। और गाइस जो ये कार है वो आपको बोथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में देखने को मिलेगी। बात करें गाइस इस कार के प्राइसिंग है तो गाइस जो इस कार का स्टार्टिंग प्राइस है वो है 5 लाख रुपए और ये सितंबर के महीने में आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी। फिफ्थ कार की बात करूँ तो है MG3 और MG Hector गाइस लोगों ने बहुत प्यार दिया। आप देखते हैं कि जो MG की नई हैचबैक कार इंडिया में लॉन्च होने वाली है क्या लोग उसको प्यार देंगे या नहीं। बात करें गाइस कार के प्राइस की तो गाइस ये कार आपको 6 लाख रुपए के आसपास देखने को मिलेगी और दिसंबर में गाइस ये कार लॉन्च होने वाली है। गाइस बात करें इंजन की तो गाइस कार में आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा और गियरबॉक्स की बात करें तो आपको बोथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स देखने को मिलेगा। और गाइस जो मैं आपको कार बता रहा हूँ अभी उसके डीजल इंजन ऑप्शन आने की कोई भी न्यूज़ नहीं आई मार्केट में क्योंकि जो BS6 नॉर्म है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो इस नॉर्म्स के करके यार बहुत सारी कंपनी ने अपने जो इंजन मॉडल्स हैं वो बंद कर दिए हैं, चाहे वो मारुति हो चाहे वो कोई और कंपनी हो। अब सेम जो MG है वो शायद ही अपनी इस हैचबैक का डीजल इंजन ऑप्शन लॉन्च करे। अब हमारी जो सिक्स कार है वो है स्कोडा फैबिया 2022। तो वह जो एक कार का प्राइस रहेगा वो 6-7 लाख रुपए रहेगा और जो एक कार है वो इस साल दिसंबर में लॉन्च हो जाएगी। तो गाइस जो इस कार का डिजाइन है ना वो कहीं ना कहीं सेम है जो स्कोडा रैपिड अभी बहुत ही जल्दी में लॉन्च होने वाली है। और गाइस जो एक कार है वो MQB A0 प्लेटफॉर्म पे बिल्ड की है जो की काफी स्ट्रॉन्ग है और बहुत सारी कंट्रीज पे इस प्लेटफॉर्म पे ये कार बेची जा रही है। तो गाइस यहाँ पर हमारी लिस्ट में जो सेवंथ कार है वो है मारुति सोलियो। और गाइस जो एक कार है वो 5 सीटर मिनी MPV कार है और बहुत टाइम से हम इस कार को इंडियन रोड पर टेस्टिंग के दौरान देख रहे हैं। और गाइस जो एक कार है
1.2 लीटर K12 इंजन के साथ आती है, जिसकी जो माइलेज होगी वो 22 के प्लस होगी। और गाइस जो इंजन है वो सेम वही हमें स्विफ्ट में देखने को मिल रहा है। तो गाइस इस कार के प्राइसिंग की बात करें तो गाइस इस कार का जो प्राइसिंग रहेगा स्टार्टिंग का वो 6 लाख रुपए रहेगा, और ये भी कार इसी साल हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी। रेट्स कार की तरफ वो है टाटा टियागो ईवी, जो कि टाटा की यार आपसे सबसे सस्ती ईवी कार है, और नो डाउट की जो एक कार है यार काफी पसंद आने वाले लोगों को। यार पेट्रोल के प्राइस ने बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, तो लोग यार उसकी परचेस कर रहे हैं। प्राइस का 6 लाख के आसपास है, और दिसंबर के महीने में हमें जो कार वो इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी। और गाइस आजकल ईवी कार का ट्रेंड भी चल रहा है और काफी सस्ती है, और टैक्स भी बड़ा कम पे करना पड़ता है कस्टमर को इन कारों के ऊपर। बढ़ते हैं गाइस यहां पर हमारे लिस्ट में नोवी कार की तरफ, जो कि है किया पिकेंटो। और गाइस कार का जो प्राइस है ना वो 6 लाख के आसपास है, और इस साल दिसंबर में हमें कार लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। बात करें इस कार के इंजन के, तो ये कार आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन से देखने को मिलेगी, और जिसकी जो माइलेज आने वाली है वो 16 से 17 के आसपास की है, जो कि काफी गुड फिगर है किया की कार के लिए। और आई होप कि जो एक कार है वो किया के लिए एक सबसे सक्सेसफुल फैक्टर बने। इस साल लॉन्च होने वाली जो कार के लिस्ट है वो काफी बड़ी है, और मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताया कि कौन सी कार लॉन्च होने वाली है, क्या क्या उसमें फीचर होंगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइस बहुत जल्द मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे।